गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज है हमारा डे टू ऑफ सेंटोरिनी, जिसका इंट्रो मैं घर से शूट कर रही हूँ क्योंकि मैं वहां पे शूट नहीं कर पाई थी। तो बेसिकली मैं आपको आज का ओवरव्यू दे दूँ कि आज हमने क्या क्या किया। तो स्टार्टिंग में मॉर्निंग में आभास ने मुझे एक बहुत ही अमेजिंग सा सरप्राइज दिया, वो था हमारा फोटोशूट इन फ्लाइंग ड्रेस, जो कि सेंटोरिनी में बहुत ही ज्यादा फेमस है। सो मुझे हमेशा से आभास से एक कंप्लेन रहा था कि हमारा प्री वेडिंग शूट नहीं हो पाया था क्योंकि आभास के पास इतना टाइम नहीं था कि वो इंडिया आके प्री वेडिंग शूट कर पाए। पर कोई बात नहीं, ये फोटोशूट अरेंज करके आभास ने वो सारे गिले शिकवे दूर कर दिए। तो चलिए चलते हैं और एक्सपीरियंस में आपके साथ अपना फ्लाइंग ड्रेस फोटोशूट का शेयर करती हूँ। लेट्स गो। गुड मॉर्निंग, वी आर गोइंग टू टेक आवर फोटोशूट एंड आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आई एम वेयरिंग दिस फ्लाइंग ड्रेस, जो कि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा फेमस है। फ्लाइंग ड्रेस में फोटो तो आनी आनी चाहिए। इफ यू आर इन सेंटोरिनी, बहुत ही हवा चल रही है, बट दैट्स ओके, आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। लेट्स गो। एंड यहाँ आ गए हम अपनी सबसे पहली लोकेशन पे। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने ये ब्लू कलर का गाउन चूज किया है, रीजन बिंग कि मुझे ऐसा लगा कि सेंटोरिनी के थीम के साथ, दैट मींस ये सी के साथ या यहाँ जो ब्लू डोम्स है उसके साथ ब्लू कलर ज़्यादा जाएगा एज कम्पेयर टू रेड कलर और अदर कलर्स जो इनके साथ अवेलेबल है। ऑल्सो यहाँ पे लोग आते हैं तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप सिर्फ एक ही कलर में करवा सकते हो। अगर आप अपना बजट हाई करोगे तो आप और भी सारे कलर्स के गाउन में फोटोशूट करवा सकते हो, जो कि यहाँ पे बहुत लोग करवाते हैं। पर मुझे सिर्फ फ्लाइंग ड्रेस का एक्सपीरियंस चाहिए था तो मैंने सिर्फ एक ब्लू ड्रेस में ही करवाया। एंड ऑल्सो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि यहाँ एक चीज़ मुझे बहुत सही लगी कि ये डिफ़िकल्ट है इस ड्रेस को कैरी करना एंड होल्ड करना, बट ये हमेशा आपके साथ एक असिस्टेंट प्रोवाइड करवाते हैं जो कि आपको इन सब चीज़ों में हेल्प करती है। एंड अभी हमारा उस लोकेशन पे फोटो शूट हो गया है एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिफरेंट लोकेशन एंड यू कैन सी कि हम कैसे जाते हैं यहाँ पे। तो चलिए चलते हैं और मैं एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ। सो अब आ गए हम अपने दूसरे लोकेशन पे, जो बेसिकली कोई लोकेशन नहीं है बट एक सुवीनियर शॉप का ब्लू गेट है। तो यहाँ पे भी पिक्चर्स अच्छी आती है, तो इन्होंने इस जगह को भी एक स्पॉट बना रखा है फॉर क्लिकिंग पिक्चर्स। एंड नाउ वी आर इन द सेंटर ऑफ इया, जहाँ पे एक बहुत ही फेमस चर्च है जिसका नाम है चर्च ऑफ पेनिगिया। एंड यहाँ भी बहुत लोग आते हैं फोटोज़ क्लिक करने के लिए। ये भी एक बहुत ही फेमस स्पॉट है फॉर क्लिकिंग पिक्चर्स। अगर मैंने आपको पहले अपने वीडियोज़ में नहीं बताया तो मैं अभी बता रही हूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और अब आ गए हम अपने दूसरे लोकेशन पे, जो कि बेसिकली ये क्लिफ है। और इस जगह की खासियत ये है कि यहाँ से बिल्कुल आप मेरे पीछे देख सकते हो तो पूरा का पूरा ईया आपको दिखेगा। तो यहाँ पे भी पिक्चर्स काफ़ी अच्छी आएगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बहुत डिफ़िकल्ट है इस ब्लू ड्रेस के साथ फ़ोटोज़ क्लिक करवाना और कैरी करना, बट आपको ये एक असिस्टेंट प्रोवाइड करवाते रहेंगे जो आपको हर टाइम हेल्प करेगी, सो दैट कि आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने फ़ोटोज़ पे ही फोकस कर पाओ, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैं कर रही हूँ। एंड अब हम आ गए अपने लास्ट स्पॉट पे, जो कि है ये ब्लू डोम, जो कि मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियोस में बता रखा है कि ये भी काफ़ी एक फेमस स्पॉट है फॉर क्लिकिंग पिक्चर्स। सो गाइस फाइनली हमारा फोटोशूट हो गया है और टोटल उनको 1.5 से 2 घंटे लगते हैं ये फोटोशूट करने में। और यहाँ पे फ्लाइंग ड्रेस के साथ फोटोशूट तो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। अगर आप सेंटोरिनी आए या आए और आपने सेंटोरिनी में फोटोशूट नहीं कराया फ्लाइंग ड्रेस के साथ, तो क्या ही एक्सपीरियंस किया आपने। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी, इट्स अ मस्ट ट्राई एक्सपीरियंस, जरूर एक्सपीरियंस करना आप। एंड अब हो गया हमारा फोटोशूट कम्प्लीट, तो फटाफट चल के ब्रेकफास्ट करेंगे क्योंकि हमारा आज अर्ली मॉर्निंग फोटोशूट था तो हम ब्रेकफास्ट नहीं कर पाए। तो चलिए चलते सबसे पहले ब्रेकफास्ट करेंगे। एंड आज का प्लान कुछ ऐसा है कि आज हमारी सिंस एनिवर्सरी थी तो हमारे होटल वालों ने हमें एक गिफ्ट वाउचर दिया विच इज़ रियली स्वीट। उन्होंने हमें एक हॉट जकूजी बाथ दिया है विथ सनसेट व्यू, तो आज हम वहाँ चलेंगे एंड वो भी हम देखते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस होता है। आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट। सो लेट्स गो, सबसे पहले ब्रेकफास्ट करते हैं। आ गए फाइनली हम यहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए और म्यूजिक बहुत लाउड है तो मेरा आवाज नहीं आएगा, तो फटाफट ब्रेकफास्ट करते हैं और मैं दिखाती हूँ कि आपको हमारे ब्रेकफास्ट में क्या क्या है हमारे टेबल पे। और यहाँ मैंने अपने लिए मंगाया एक वेज सैंडविच विथ ऑरेंज जूस और आभास ने अपने लिए मंगाया है स्क्रैम्बल्ड एग विथ पैनकेक्स, जो कि बहुत ही ज्यादा टेस्टी था। और ऑल्सो उसने अपने लिए ऑरेंज जूस मंगाया है। एंड अब फटाफट करते हैं ब्रेकफास्ट स्टार्ट क्योंकि अब रहा नहीं जा रहा है, बहुत जोरों की भूख लगी है। और मिलते हैं आपको आफ्टर ब्रेकफास्ट।
वी आर गोइंग टू दैट प्लेस जो हमारे होटल वालों ने हमारे लिए बुक किया है विथ कॉफी, क्योंकि कॉफी बहुत जरूरी है. बहुत दिनों से नींद नहीं ली हमने सही से, तो उतना ज्यादा एनर्जेटिक नहीं है, तो कॉफी इज मस्ट. लेट्स गो. एंड फाइनली 40 मिनट्स के ड्राइव के बाद पहुंच गए हम अपने लोकेशन पे. सो ये जगह भी बेसिकली व्हाइट पर्ल का एक लग्जरी सूट है, जहां पे आज हम एक्सपीरियंस करने वाला अपना वॉल्केनिक हॉट बाथ जकूजी. सो फाइनली वी आर इन व्हाइट पर्ल कैवेलियर. एंड जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितना ही अमेजिंग सा व्यू है यहाँ पे. एंड अभी हम हैं यहाँ के बाद में, क्योंकि जो हमारा जकूजी है वो अभी रेडी कर रहे हैं, तो उसमें कुछ टाइम लगेगा, कुछ टाइम का वेट है. एंड उसके बाद हम आपको मिलेंगे डायरेक्ट जकूजी में. एंड फाइनली हमारा जकूजी हो गया है रेडी और हम भी हो गए हैं रेडी. और अब मैं आपको बताती नहीं, दिखाती हूँ कि कितना ही अमेजिंग और कितना ही ब्यूटिफुल व्यू है यहाँ का. So finally we are in our hot jacuzzi bath, which is actually a volcanic hot jacuzzi bathtub, and the rocks you can see around me is from volcanic eruption. And I can't wait to enjoy this hot jacuzzi bath with this mesmerizing and beautiful view. एंड अब यहाँ मैं कर रही हूँ वॉइस ओवर, क्योंकि जो मेरी आवाज़ थी वो हवा की वजह से नहीं आ पा रही थी. जैसे कि आपने वीडियोस में देखा होगा, बहुत जगह हवा की वजह से मेरा आवाज़ दब गया था. तो बेसिकली मैं यहाँ पे ये बता रही हूँ कि ये जो एक्सपीरियंस था हमारा, ये बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था. और अगर आप सेंटोर्नी में आए हो तो आप ये जगह पर ज़रूर जाओ और एक्सपीरियंस करो. यहाँ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी. और अब आ गए हम होटल के अंदर, क्योंकि बाहर बहुत ही ज़्यादा हवा चल रही थी. और अब हम देख रहे हैं द मैजिकल सनसेट ऑफ सेंटोरिनी, जो कि अगर आप सेंटोरिनी में हो तो बिल्कुल देखना, बहुत सारे स्पॉट्स होते हैं, मैंने अपने इंस्टा रील्स में भी बताया है. और अब इस ब्लॉग को करी हूँ मैं यहीं पे एंड. तब तक के लिए प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, दैट इज़ नमस्ते नदरलैंड.